Thank God for His wonderful presence in this video. इस वीडियो में परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। It's because Jesus loves you, my friends. क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करते हैं मेरे दोस्तों। And He promises you according to Isaiah 60:15 today. और यशा अध्याय 60 वचन 15 के अनुसार आज वो आपसे प्रतिज्ञा करते हैं। I will make you the pride, the everlasting pride and the joy of all generations. मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी-पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। Imagine what a great blessing this is. और कल्पना कीजिए कि ये सच में कितनी महान आशीष है। The everyone being so proud of what God has done through you and you being the joy of all people. और सच में परमेश्वर ने आपके द्वारा जो कुछ किया उसके बारे में सभी लोग घमंड महसूस करेंगे और आप सब लोगों के लिए आनंद का कारण होंगे। He's coming to you to do this. वो ऐसा करने के लिए आपके पास में आ रहे हैं। Are you saying my life is not that honorable, Lord? क्या आप ये कह रहे हैं कि प्रभु मेरा जीवन तो इतना आदरणीय नहीं है? I am not such a great person. मैं इतना महान व्यक्ति नहीं हूँ। Let's examine to whom He gives this blessing. तो आइए देखते हैं कि परमेश्वर ये आशीष किन्हें देते हैं। It's found in the first verse of that chapter. ये तो इस अध्याय के पहले वचन में पाया जाता है। It comes when God makes you arise and shine. ये तब आता है जब परमेश्वर आपको उठाते हैं और प्रकाशमान करते हैं। It comes when God shines His light upon a person. और ये तब होता है जब परमेश्वर किसी व्यक्ति पर अपना प्रकाश उदय करते हैं। That light of Christ is coming upon you right now. और वही मसीह की ज्योति अभी आप पर आ रही है। Yes, it is time for you to arise and shine into this blessing. और ये समय है कि आप उठ खड़े हो और इस और प्रकाशमान हो जाए, इस आशीष में प्रकाश। God is going to perfect His will in your life and make you shine. परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इच्छा को सिद्ध करेंगे और आपको तेजोमय करेंगे। He is leading you into that thing with His light. और वो अपनी ज्योति के द्वारा आपकी उन सारी बातों में अगुवाई करेंगे। As you go and do your job, or as you go and minister to people, as you go and do your business, His light is going to shine in what you do. और जैसे आप अपना काम करेंगे, अपनी नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, परमेश्वर की ज्योति आप में तेजोमय होगी। As you go and sing, His light is going to shine upon you. जैसे आप जाकर गीत गाएंगे, उसकी ज्योति आप में तेजोमय होगी। There's going to be a great difference. और बड़ा फर्क आएगा। Because the light of Christ is upon you. क्योंकि मसीह यीशु की ज्योति आप पर है। And God is going to make you a blessing to so many people through what you do. और परमेश्वर आपको बहुत से लोगों के लिए आशीष बनाएगा। As the light of Christ was upon my grandfather. और जैसे मसीह की ज्योति मेरे दादाजी के ऊपर थी। Today God has moved him to be a joy to sing so many people. और परमेश्वर ने निश्चय उनके जीवन में इतना काम किया कि बहुत से लोगों की जिंदगी में वो आनंद लेकर आ पाए। He's made him a blessing to so many by lifting them out of their sorrow. और लोगों को उनके दुख में से उठाने के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें कई लोगों के लिए आशीष बनाया। God will move you and use you with a mighty anointing to do the same thing. परमेश्वर भी आपको ऐसे ही करने के लिए इस महान सामर्थ्य अभिषेक से अभिषिक्त करेगा, आपको उठाएगा। You will also carry many people. और आप भी बहुत से लोगों को लेकर चलेंगे। And you will become the pride and the joy, an everlasting pride and joy of all generations. और आप पूरी पीढ़ी पीढ़ी के लिए अनंत काल के घमंड और आनंद हो जाएंगे। Shall we receive His light that is coming upon us right now? अभी उसकी ज्योति जो हम पर आ रही है, आइए हम इसे स्वीकार करते हैं। Fill them with your spirit, Lord. प्रभु आप इन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए। Flow into the hearts of your children. अपनी संतानों के दिलों में प्रभु आप बहते चले जाइए। Fill them with The light that is within you, Lord. और प्रभु जी वो ज्योति जो आपकी ओर से आती है उससे आप इन्हें भर दीजिए। There is no darkness in you. और प्रभु आप में कोई भी अंधकार नहीं। As you are coming into our hearts. जैसे आप हमारे दिलों में आते हैं प्रभु। Lord, there should be no place for any darkness. प्रभु किसी भी तरह से कोई भी अंधकार के लिए कोई जगह ना। But let your light shine bright. और आपकी ज्योति प्रभु और भी तेजोमय हो जाए। Help us to arise in that light. मदद कीजिए प्रभु कि हम इस ज्योति में उठकर खड़े हो जाएं। Help us to move into your will in that light. प्रभु इस ज्योति में आपकी इच्छा के अनुसार चलने में हमारी मदद कीजिए। And make us shine through what we do, Lord. और जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु इसके द्वारा हम तेजोमय होने पाएं। Give this blessing to your children. इस आशीष को आप अपनी संतानों पर दीजिए। Give them a great anointing today, Lord. आज इन्हें महान अभिषेक दीजिए प्रभु। And use them to be a blessing to so many people. और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण होने के लिए इनका उपयोग कीजिए। Make them the pride and joy of many. इन्हें प्रभु निश्चय आप घमंड बनाइए और आनंद बनाइए। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Friends.
I know the light of Christ is burning in you. मेरे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मसीह की ज्योति आप में तेजोमय हुई है। He'll make everyone around you see it. वो आपके आसपास के सभी लोगों को इसे देखने देंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।